दूसरी जानब इसराइली फोर्सेस के गजा पर ज़मीनी और फजाई हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद और 300 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 19,450 से तजावज़ कर गई। 7,729 बच्चे शामिल हैं। 8,663 बच्चों समेत 52,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने रफा, जबालिया और नसीरात कैंपों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कि फलस्तीनियों के खून की प्यास बुझ न सकी, सिहोनी फौज के गजा पर जमीनी और फिजाई हमले। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 10 अफराद भी शामिल है। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया और नसीरात कैंपों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। नसीरात कैंप पर हमले में खातून सहाफी खानदान के तमाम अफराद समेत शहीद हो गयी। चिल्ड्रन अस्पताल पर हमले में कई नौमौलूद और मासूम बच्चे शहीद हुए। मलबे से लाशों को निकाल लिया गया। हमलों में शहीद बच्ची का वालिद गम से निडाल होकर जज्बात पर काबू न रख सका। गजा में इमदाद की फराहमी जारी है। हिलाल अहमर ने 2 माह में 4,000 इमदादी ट्रक मौसूल होने की तस्दीक की। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलम में 3 खवातीन समेत 35 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज इलाज मुआवजे में भी रुकावटें डालने लगी। तिलक्रम में एम्बुलेंसों को कई घंटे रोके रखा। जनूबी लेबनान में हिजबुल्ला मुजाहिद के जनाजे में इसराइली ड्रोन ने बमबारी कर दी। इसराइली फौज ने शाम पर मिसाइल दागे, तोपखाने से शामी फौज की चौकियों को निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा में कत्लेआम पर तशवीश जाहिर करते हुए इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।